हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बट मेरे साथ ना सुबह सुबह एक लोल होगी। जो मेरी ये वाली आई है ना, इस पर किसी ने ना मेरे को काट लिया था। सुबह इतनी सूज गई थी ना, अभी तो दिख नहीं रहा है ज़्यादा फ़र्क, बट थोड़ा सा है अभी भी। तो मेरे को लगा था ये सूज कम नहीं होगी, बट ये कम हो चुकी है। अब नहीं ज़्यादा दिख रही है, मतलब फ़र्क नहीं दिख रहा है ज़्यादा, इक्वल ही है। तो मैं निकली अभी रूम से। पहले जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि आज मैं प्रीतिश के घर जा रही हूँ लंच करने, बट मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं और जाना है। जो मेरा दूसरा काम था ना, वो करना है मेरे को अभी जाके। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अभी ज्वेलरी की शॉपिंग करने, क्योंकि रिशुन का मेरे को भी कॉल आया था। वो बोल रहे थे कि हम लोग निकल गए रूम से, तो आ जाओ। मैंने कहा ओके। वैसे मेरा पहले था कि मैं प्रीतिश के घर जाऊँगी लंच पे, बट चलो पहले उधर जाके आते हैं, फिर वहाँ से आके मैं लंच पे जाऊँगी प्रीतिश के घर। वैसे मेरे को प्रीतिश सुबह से लेकर कॉल कर रही, ओए याद रखियो, आइयो आइयो। मैंने कहा हाँ हाँ मैं आ जाऊँगी, तो टेंशन मत ले। तो अभी मैंने उसको कॉल करके बोला कि मैं थोड़ी सी लेट आऊँगी क्योंकि पहले मैं अपना ये वाला काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद लंच। तो बोलता ओके, बस तू आ जाइयो। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगी। तो अभी चलते हैं फटाफट से मार्केट को, क्योंकि वो लोग जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। तो ये लोग मुझे मिल चुके हैं। अभी हम लोग चले ज्वेलर की शॉप के तरफ को। ठंडा लेंगे। सो फाइनली मेरा मंगलसूत्र फाइनल हो चुका है, हमने ले लिया है। वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी। तो अभी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो हो रही है और वो हो चुकी है, हमारा फाइनल हो गया है ना। वीडियो चलो ठीक है। तो अब ये लोग जा चुके हैं और अब जाऊंगी मैं प्रीतिश के घर, क्योंकि मेरा काम हो चुका है। और अब चलते हैं प्रीतिश के घर लंच करने। सबसे पहले उसको कॉल कर देते हैं कि हाँ मैं आ रही हूँ, मैं फ्री हो चुकी हूँ। और एक बजे मतलब कि एक बजने में भी आए 15 मिनट। ओह मुझे कॉल भी आई है। चलो अभी मैं निकलती हूँ फटाफट से लंच करने उसके घर, और आंटी से मिलते हैं। तो मैं प्रीतिश के घर पहुंच चुकी हूँ और ये से देखो सो के उठा है, नहा भी चुका हूँ मैं 9 बजे का। ओह और ये इतना लेट आई, इसने इतना लेट करा दिया। मेरा तो कुछ भी नहीं करना। थैंक यू, वैसे कर दिया तूने। तो आंटी अभी बाहर ही मिल गए थे मेरे को, और ये जनाब यहाँ पे बैठे हुए। मैंने बोला था मैं लेट हूँ क्योंकि मेरे को दूसरा काम आ गया था, तो ऑलरेडी मैं वो काम करके आ चुकी हूँ। तो अब मैं फ्री हूँ, अब मैं आराम से बैठूंगी तेरे पास। बैठी हाँ। देखो आंटी वहां पे आके बैठ गए। क्यों नहीं बैठ सकते, उनका ही घर है, बैठेंगे है ना आंटी। फोन बहुत दूर फेंक दिया मेरा, ये चला हुआ ना। डंडा का है, मैं निकाल दूंगा, पर मेरा फोन तेरा फोन फ्लैश चलानी है यार। अच्छा ले ले ले। आंटी और मैं भी लड़ाई कर रहे थे। और मम्मी का फोन चला गया। हाँ, बेड के नीचे क्या फोन ओ निकल गया। हेलो दाई, नमस्ते, आप अभी तक लाइन पे हो? मम्मी पता नहीं लड़ती रहती सबके साथ। चलो कर लो बात लो। हेलो क्या बोलना था मुझे कि अब हम खाना खा रहे हैं। ओके हाँ, तो अब हम खाना खा रहे हैं। हाँ आंटी ने हमको बोला कि अंदर जाके बैठ जाओ, मैं खाना लेके आती हूँ। मेरे को ओके आंटी जी। और हमने ब्लैक पहनना है। वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस। अगर मैं ब्लॉगर होता तो मैं अपने बाल ही ठीक करता रहता। देखा मैं बाल ठीक नहीं करती। जरूरत नहीं है तुझे। यस बाय बाय गाइस। देखो सेकंड कोर्ट पे लग गई। बोल रहा हूँ आराम से जा और फिर आइयो। तो आंटी हमारे लिए खाना रख चुके हैं, और एक आंटी आ गए आंटी से मिलने के लिए, है ना। तो आंटी बाहर ही है अभी, वो तो आए हुए। खाना शुरू कर रहे हैं। हाँ अब भूख लगने लगी है। एक मिनट रुक यार, मैं बहुत गंदा आ रहा हूँ वहाँ पे। अब हम खाना शुरू कर। तो आंटी ने स्पेशली मेरे लिए बनाई है कढ़ी और मटर पनीर। देखने से ही बड़ा यम्मी यम्मी लग रहा है। हाँ अब खा के देखते हैं। चलो कोई नहीं,
आप भी लाओ अपने लिए। तू क्या खा रही है? हाँ आंटी का वेट करो चुपचाप से। नहीं नहीं आओ आप। प्रतीश आंटी को आने दे, खाने में जोर दिया हुआ। आने दे आंटी को। आ रहे हो? मैं अब रोक नहीं सकता। ये इंतजार। हाँ हाँ जी। ये खीर। अच्छा भी लेना। कुछ नहीं बनाया मैंने। इतना सब कुछ तो बनाया भाई। ज्यादा इतना कड़ी पनीर खीर सब्जी। अच्छा बहुत है। वीडियो बनना सा। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है करो। तो हमारा लंच हो चुका है और हम लोगों ने इतनी गप्पे मारी ना, आई थिंक हम लोगों को लंच करते करते आधा घंटा तो हो ही गया। इतनी देर तक हम लोग खा भी रहे थे, गप्पे भी मार रहे थे। उफ यार, और मैंने साथ अपनी नेल पेंट भी ख़राब कर दी। देख नहीं रहा मैं अपना डांस कर रहा हूँ। हाँ यार। She is not interested. भाई उन्होंने अभी काम करना है ठीक है, इसलिए काम पे लगे हुए। प्रीतिश ने गंद मचाया होता है बेचारे आंटी काम करते रहते। तो अगर मैं ही गंद मचाऊं और मैं ही काम करूं तो मैं थकूंगा नहीं। आंटी अभी अगेन क्या थे खाना बना रहे, क्योंकि अंकल का टाइम हो चुका है 2 बजे का, तो अभी अंकल के लिए लंच बन रहा है। ना ना चाय पी के नहीं खाना, ऑलरेडी एक्सेस हो गया। तो आंटी अपना काम करने लग चुके सिलाई का काम। तो आंटी आपसे मिलते हैं अब शादी में। शादी में मिलेंगे? हाँ तो शादी में आना पक्का। हाँ जी पक्का पक्का, क्योंकि प्रतिष्ठ आ ही रहा है। ऊपर आ सकते तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर ऊपर नहीं आ पाएगा तो यहीं पे आना। यहाँ पे आऊंगी तो इसी के साथ। ये जनाब हाँ पहुंच जाएगा जब तक तो वापस है ना। हाँ चलो, खाना बहुत टेस्टी था, खाने के लिए थैंक यू। खाना खाना खाना। चलो आजा। हाँ जी आंटी अपने सूट में खज्जल हो गए। चलो मैं तो चली अब अपने घर को, पहले हाँ अंकल को इनविटेशन दे देती हूँ मैं शादी को। देखो प्रीतिश और आंटी मेरे को सी ऑफ करने आया है। मैं तो ऊपर तक छोड़ रहा हूँ तुझे बस। तीन आंटी को बोल रही मैं, तुझे नहीं बोल रही। अच्छा चलो ठीक है आंटी जी, बाय बाय। अच्छा गुड़ खाए ना ये, ऐसा बोलता है बाय फट दे के। भाई साहब इतनी जोर से पटाखों पटक के। चल बाय। चल ठीक है बाय। ये टेंट क्यों लगा रहा है? अरे मम्मा टेंट नहीं है यार, वो धूप से बहुत लेट है। चल बाय 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 दादा। चलो अभी रूम को निकलते हैं। आंटी ने लंच बहुत अच्छा बनाया था और अभी तक हम लोग गप्पे ही मार रहे थे, मतलब हमें मुझे हो गया 2.5 घंटे यहाँ पे लंच किया, गप्पे मारी फुल ऑन। और अब मैं जा रही हूँ अगेन रूम, और रूम से आऊँगी मैं वापस क्योंकि मुझे थोड़ा सा और भी काम है। तो अभी रूम जाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, शाम के जैसे टाइम को मार्केट आऊँगी वापस। चलो तो अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। तो मेरे को रिशू लेने आए थे, मैं उस टाइम रूम आ गई थी, मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और अब चलते हैं वापस, क्योंकि इनके लिए शेरवानी देखनी है ना। तो ये बोलते बोलो फिर लहंगे के साथ ही, मैंने कहा हाँ साथ ही देखते हैं। तो मैंने कहा जब आप आओगे तब देखेंगे, लास्ट टाइम बोल रही थी, बोल लास्ट टाइम टाइम नहीं था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज देख लेते हैं, क्योंकि मैं मंडे को फिर जाने वाली हूँ, कल ये चले जाएंगे वापस चंडीगढ़, तो फिर टाइम नहीं लगना है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि आज ही जाके देख लेते हैं। और क्या देखना है हमने, बस हमने यही, और हाँ जो मैंने रिसेप्शन के लिए दी हुई है ना अपनी ड्रेस, वो भी देखनी है कि वो करती है आंटी ने ठीक कि नहीं, ये तो वो भी देखनी है, और इनकी शेरवानी देखनी है बस, बाकी हमने कुछ नहीं देखना है। फिर तो जो कुछ रहेगा अब नेरवा से ही देखेंगे, या फिर बीच में कभी आऊँगी तो देख लेंगे, बाकी अभी चलते हैं फटाफट से।
हम लोग गए थे शेरवानी देखने, बट पसंद नहीं आई तो हम लोग आ गए, तो हम लोग खाने पीने चले गए थे। और मैंने कुछ कॉस्ट्यूम के लिए लिया है क्योंकि काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि चाहिए चाहिए, तो मैंने उसके लिए गिफ्ट ली है और रैप करवाई हुई है और थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान लिया है। तो क्योंकि मैं परसों जा रही हूँ, कल संडे है तो शॉप्स नहीं खुली होगी, तो मैंने कहा आज ही ले लेती हूँ। और भाई की कॉल भी आई थी, तो भाइयों ने भी अभी कपड़े लिए नहीं है, तो उन्होंने भी लेने हैं। तो अभी भाई आएंगे तो हम लोग शॉपिंग करेंगे और रिशु वापस चले जाएंगे, तो इनको थोड़ा सा सामान लेना अंदर मार्केट से। मैंने कहा चलो मेरे को भी अंदर मार्केट में छोड़ देना, भाई मेरे को वहीं मिल जाएंगे, तो चलते हैं अभी। तो मैं आई हूँ अभी रूम तक अपना सामान छोड़ने। मैंने कहा जो सामान लिया है वो रूम पर छोड़ देती हूँ, क्योंकि अंकुशा काम से गए हुए थे कहीं, तो उनको लग जाना था अभी आधा पौना घंटा। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, सामान छोड़ देती हूँ। हाय अरे अब फिर से वापस मार्केट जाती हूँ, नहीं तो बाजू थक गई थी इतना सामान चक्के भी। चलो अब चलते हैं वापस मार्केट, तब मिलती हूँ भाई से। चलो अंकुशा ने कुर्ता पजामा देखा लेकिन इनको पसंद ही नहीं आया, बोलते मंडे को ही देख लेंगे, मंडे को सुबह जाने से पहले एक बार देख लेंगे, फिर उसके बाद घर को निकल जाएंगे। तो हम लोग टायर लगाने गए थे तो अंकुशा के लिए देख रहे थे जाके, तो अभी यही दोनों जने गप्पे मार रहे हैं अभी। तो ऋषु जा चुके हैं, अब हम लोग भी घर को चले हैं। दूध ले लिया था, दूध। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रूम, आते ही अंकुशा को मैंने खाना दे दिया, दूध उबाल दिया, और मैंने कपड़े भी नहीं, मैंने कहा पहले खाना ही गर्म करती हूँ क्योंकि हमारा बना हुआ था सुबह का, तो इसलिए हम आराम से मार्केट में घूम रहे थे। तो पहले ऐसे था कि हम मैं और भाई शॉपिंग करेंगे, बट ऐसा हो गया कि भाई को कहीं जाना पड़ा। जिस टाइम भाई ने मेरे को कॉल की थी उस टाइम मैं ऋषु के साथ शेरवानी देखने गई थी, बट उनको पसंद नहीं आई, तब भाई अपने काम से चले गए। फिर मैंने कहा मेरे को तो बहुत ऐसे लटकना पड़ेगा, फिर ऋषु बोलते टायर डालने चलते हैं, फिर हम लोग टायर डालने चले गए। फिर जब तक मैं वापस आई तब तक भाई बोलते मैंने तो देख लिया, मेरे को नहीं पसंद आया, तो बोलो मंडे को देखते हैं। अब मैंने कहा ओके, तो फिर घर जाने से पहले हम लोग सामान देखेंगे, मतलब जो कुर्ता पजामा देखेंगे या फिर कुछ भी, तो वो देखेंगे। तो आज तो नहीं मैंने देखा, तो अभी हम लोग जस्ट बैठे हैं क्योंकि खाना तो बना हुआ था, तो इसलिए भाई खाना खाने लगे हुए। मैं अब फटाफट से कपड़े बदलती हूँ और सो जाती हूँ, वैसे मैंने खा लिया था बाहर ही, इसलिए मैं अभी नहीं खाने वाली हूँ। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये देखो ओ स्वाक्ष भुई सोया हुआ है अभी मस्त, ये मनु अभी मेकअप कर रहे हैं, ये सारे सारे मतलब मेरा सामान रख देते हैं। अंकुशिया को दिखाना स्वाक्षी अमिनी सोया हुआ है, तालू पे कैसा लगा? हाँ ऐसे कर बोलते, कितना मोटा बनाया है स्वाक्ष को, एक नहीं ये तीन तीन बड़ी भी है, बिंदी पहन के वो ये तीसरी तो छुपा रही है वो खूब सजे हुए यार, ये बड़ी औरतें जाने की यस बोड़े गुड़िया तो बन ही जाएगी, हम तो ट्राई तो परे करते हैं कैसे लगेंगे। अच्छा अच्छा बढ़िया खड़े रहो, शाबाश शाबाश बहुत अच्छा।